बहुत ही जबरदस्त बारिश हुई है जिसके चलते कई क्षेत्रों में नुकसान भी हुआ है। तो दोस्तों दुख भी काफी हो रहा है क्योंकि उनका एक छोटा सा बच्चा पहले से है और 8 माह का गर्भ पेट में था। नमस्कार दोस्तों, आज का व्लॉग बड़े दुख के साथ शुरू कर रहा हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैन में बीती रात हमारे क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त बारिश हुई है जिसके चलते कई क्षेत्रों में नुकसान भी हुआ है। और हमारे गैरसैन क्षेत्र में रोहिड़ा एक क्षेत्र पड़ता है और उसके अंतर्गत झोड़ासीमार गाँव है, जहाँ पर एक युवती और उनके पेट में 8 माह का गर्भ भी था, तो उनकी मलबे से दबने के कारण मृत्यु हो चुकी है और उनको फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैन में लाया गया है और पोस्टमार्टम की प्रोसेस के लिए उनको आगे भेजा जाएगा यहाँ से, रेफर करने के बाद, पंचनामा होने के बाद। और ये उनके परिजन हैं। तो दोस्तों दुख भी काफी हो रहा है क्योंकि उनका एक छोटा सा बच्चा पहले से है और 8 माह का गर्भ पेट में था। तो अभी हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैन में हैं और ये उनके परिजन हैं जिनके साथ ये घटना घटी है कल रात। मेरा नाम चंद्रराम था। ये शाम 8 बजे करीब रोटो खाना तैयारी करें थे, जब भीतर वो पैन आए और पैन साफ कर रहा हूँ, जैसे जानी सब बल वो बल तो साफ हो गई पता नहीं। अब वो बात दस माथ में दुआ रहा है और वो सारे मतलब जितने भी सामान सुनून था कोई पता नहीं चला। सर मेरे बहू का नाम दीपा है और कल शाम सुबह जो बहुत बारिश हुई उसमें मेरी बुआई का जो है वो खाने का टाइम वो कोई तैयारी कर रही थी, उसमें से मेरी बुआई को ऊपर से मलवा आया कमरे में, पन्ने क्या सामान लेने गई वहाँ से पूरा ऊपर से मलवा आया और पूरे दर के वहाँ जब कि गांव के पूरे आदमी आए तो बड़ी मुश्किल से उनको निकाल उनकी डेड बॉडी निकाल पाई, जबकि वहाँ कोई पता नहीं लग रहा था। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने गांव की पार्किंग में जहाँ पे बाइक रहती है। बड़े दुख की बात है और बहुत दुख हुआ इस प्रकार की सूचना मिली जब, तो भगवान उन दोनों की आत्मा को शांति दे, माँ की भी और बच्चे की भी। बाकी फिर मौसम ख़राब हो रहा है आज भी, पता नहीं क्या होगा भाई शाम तक। तो आप लोग भी सतर्क रहें, सावधान रहें, है ना, बारिश का मौसम है, कुछ भी हो सकता है भाई साहब आजकल। तो दोस्तों ये घटना कल रात 8:30 बजे की है जब बहुत बारिश हुई हमारे क्षेत्र में और उसमें मकान क्षतिग्रस्त होने के कारण दीपा देवी जी मलबे में दब गई और उसके बाद घर वालों ने उनके गाँव वालों को बुलाया, आपातकालीन सेवा पर कॉल किया गया। तो घटनास्थल पर नायब तहसीलदार साहब, थाना की टीम, थाना प्रभारी सहित और जो आपदा की टीम है रेस्क्यू वाली वो वहाँ पर पहुँचे, फायर वाले, तो उनको रेस्क्यू किया गया। लगभग रात को 3 बजे आसपास उनका रेस्क्यू हो गया था, रोड ख़राब थी इसलिए सुबह के 8:30 बजे तक वो टीम गैरसैन पहुँच पाई रेस्क्यू करने के बाद, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है जोड़ू सीमार गैरसैन का। तो सुबह पंचनामा होने के बाद अभी उनकी बॉडी भेजी गई है पोस्टमार्टम के लिए उपजिला अस्पताल कर्णप्रयाग के लिए। और बस यार दुखद घटना है, भगवान दीपा देवी जी और उनके बच्चे की आत्मा को शांति दे। मौसम फिर से बिगड़ा है, देखिए आप लोग भी सतर्क रहिए, काफ़ी क्षेत्रों में नुकसान भी हुआ हमारे क्षेत्रों में। देखो जैसे अंद्रपा है, नौगांव है, कुड़खे तरफ है, तो काफ़ी सारा नुकसान हुआ है और मलबा आया है बहुत सारा। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, सतर्क रहिए क्योंकि मौसम बारिश वाला है, काफ़ी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इसलिए दुख के साथ आज के ब्लॉग का समापन करते हैं और आप लोग सेफ रहिए भाई। तो दोस्तों इसी घटनाक्रम को देखते हुए सुबेर एनजीओ को जब इसकी सूचना मिली जब, तो सुबेर एनजीओ ने उनके परिजनों से बात की और पोस्टमार्टम के लिए जो गाड़ी का अरेंजमेंट होता है ना, तो सरकारी गाड़ी तो नहीं मिलती है तो प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ती है पोस्टमार्टम के लिए, तो उसका पूरा खर्च सुबेर एनजीओ द्वारा किया गया है और आगे भी उनकी जो भी हेल्प हो पाएगी सुबेर एनजीओ से सुबेर एनजीओ करेगा। और आप लोग सुबेर एनजीओ के जो बार कोड है जो मैंने आपको शेयर किया है यहाँ पे, आप लोग उस पर कुछ राशि कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दोस्तों बुरे समय में इंसान ही इंसान के काम आता है, तो आप लोग इस बार कोड को स्कैन करके दीपा देवी जी के परिवार को हेल्प कर सकते हैं और आगे भी इस प्रकार से हेल्प करते रहेंगे और
सुबह रेंजर के साथ अपना काम करते रहेंगे लगातार। तो आप लोग जो मेरी ऑडियंस है उनको दिल से धन्यवाद, और आप लोग ऐसे ही ब्लॉग्स को शेयर करते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।